हाँ जी, प्लस वन क्लास बेटा चैप्टर साढ़ा 16 है इकोनॉमिक्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। पिछला चैप्टर साढ़ा कंप्लीट हो गया सी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटे नू क्लासीफाई करना, डाटे नू वंडना, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डाटा असी वक्रिया वक्रिया टेक्निक्स के नाल कलैक्ट करते हैं, ठीक है। जो असी डाटा कलैक्ट कर देते हैं, फर्दर वे वास्ते सूँ की करना पैंता, डाटे की एडिटिंग करनी पैंती है, क्लासीफिकेशन करनी पैंती है, तो वो प्रेजेंटेशन देनी पैंती है, तो ही साढ़े को प्रॉपर फॉर्म आती है। सो वो ही साडा कंसैप्ट है क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा। डेफिनेशन की है वो, अरेंजिंग द डाटा इन अ सूटेबल मैनर, एक प्रॉपर मैनर के डाटे को अरेंज करना, उन्होंने आप कहने क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा। एक इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन असी पढ़ लेंगे। अकॉर्डिंग टू सपर एंड स्मिथ, क्लासीफिकेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट इन टू क्लासिस। क्लासीफिकेशन की है, जोड़े साढ़े को फैक्ट्स ने उन्होंने असी क्लासिस डिवाइड कर दिता, ठीक है। सो कोई भी एक इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन जो तुम्हें ईजी लगती है वो तुम लिख सकते हो। सो क्लासीफिकेशन की दस दिता कि जो असी सूटेबल मैनर के डाटे को अरेंज करते हैं उन्होंने असी कहने क्लासीफिकेशन। सो जो असी वक्री वक्री वे करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग कर देवे तो सानू की है जल्दी नाल पता चल जाएगा कि ये की सिमिलैरिटी तो डिसिमिलैरिटीज ने, ठीक है। सो उस तो बाद साढ़े को आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासीफिकेशन, टू कंडेंस द ह्यूज डाटा। पहला उद्देश की है कि डाटे को कंडेंस करना, ह्यूज डाटा बहुत व्डा डाटा जिवें तुहाडे कोल ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो गया उन्होंने असी कंडेंस छोटे वर्ड के विच डिफाइन करना हो असू क्लासीफिकेशन करांगे डाटे की, तो वह की है ह्यूज डाटा कंडेंस हो जाएगा, वह साइज़ शॉर्ट हो जाएगा। टू ब्रिंग आउट रिलेशनशिप्स, तो जो क्लासीफिकेशन है जो कि जोड़ा रिलेशनशिप आनू ब्रिंग आउट उन्होंने उभार दिया, ठीक है। तो मतलब वो आ जाएंगे कॉजिज़ इफेक्ट्स की ने किसी चीज़ के, वह सारा रिलेशनशिप के जो किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप उन्होंने ब्रिंग आउट कर देता। थर्ड, टू क्लीयरली एलैबोरेट द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, विशेष मतलब ये की आ समानतावान असमानतावान असी क्लीयरली डिफाइन कर सकते हैं कि क्लासीफिकेशन। अपना फोर्थ आ गया, टू प्रिपेयर द बेसिस फॉर अ टैबुलेशन। सो टैबुलेशन का बेस ही की है क्लासीफिकेशन करना, जो डाटा क्लासीफाई किया होगा तो ही उन्होंने असी टैबुलर फॉर्म के कन्वर्ट कर सकते हैं। नैक्सट साढ़े को सिंपलीफिकेशन ऑफ डाटा, डाटे को सिंपलीफाई करता है, बहुत कंपलैक्स डाटे को सिंपलीफिकेशन सिंपलीफाई करने मदद करता। सो डाटा का ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासीफिकेशन। हुण साढ़े को आते हैं मैथड्स, मैथड क्लासीफिकेशन दे। क्लासीफिकेशन केड़े केड़े तरीकों की होंगी, जियोग्राफिकल क्लासीफिकेशन, कॉर्नोलॉजिकल क्लासीफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासीफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासीफिकेशन होएगी एरिया में, इफ द क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस लोकेशन उन्हें असी कहेंगे जियोग्राफिकल क्लासीफिकेशन, ठीक है बेटा। जिमें कि आप रेलवे की गल करिए कि ईस्ट के रेलवे के की लाइनस आ, वैसट साउथ के। सो ये साढ़े को आ गया कि जियोग्राफिकली असी डाटे को क्लासीफाई किया, किसी रेलवे दाइनस का असी क्लासीफिकेशन करांगे तो डायरेक्शन वाइज वो क्लासीफिकेशन की जाएगी। कॉर्नोलॉजिकल क्लासीफिकेशन साढ़े को होएगी जिहड़ी कि ईयरस की गल करेंगे, जिदे टाइम पीरियड की गल करेंगे, जिमें कि किसी कंट्री का ईयर वाइज रिकॉर्ड, किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की एडमिशन का रिकॉर्ड, ये साढ़े को एग्जाम्पल आएगी कॉर्नोलॉजिकल की, ठीक है। ईयर वाइज रिकॉर्ड। हुण साढ़े को आएगा क्वालिटेटिव क्लासीफिकेशन। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी की गल की जाएगी, विच आर नॉट सब्जेक्ट टू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। क्वालिटी जिस तरह की किसी की ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, ये साढ़े कोल कादियां हैगियां जिहड़ा अपने को क्वालिटेटिव क्लासीफिकेशन दे विच आंदा है कि असी किसी चीज़ की क्वालिटी की गल करांगे, ठीक है। सो इनू फरदर असी टू वेज दे विच डिफाइन कर सकते हैं, एवली इनू जिवें कि पॉपुलेशन की गल की आ क्वालिटेटिव दे विच सिंपल क्लासीफिकेशन,
सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल मैनीफोल्ड, सिंपल क्लासिफिकेशन जिस दो चीज़ों की गल की जाए, जेकर पॉपुलेशन ली गई है तो वो मेल तो फीमेल की गल की जाएगी, ठीक है। ये होएगी सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड की है उन्होंने फरदर आप डिवाइड करेंगे, जिस तरह मेल फीमेल नू फरदर मेल फीमेल फरदर अर्बन दे रूरल दे, ये भी अर्बन रूरल, ठीक है। सो ये साढ़े को होएगा मैनीफोल्ड क्लासीफिकेशन। फस्ट से साढ़े को सिंपल क्लासीफिकेशन जिद दो करैक्टरिस्टिक्स होंगे। हूँ साढ़े को आ गई क्वानटीटेटिव क्लासीफिकेशन, जिड़ी असी भी अगर दो टाइप्स आएंगे। क्वानटीटेटिव जिद किलोग्राम मीटर की गल की जाएगी, वह साढ़े को होएगी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव जिदे विच किलोमीटर्स मीटर्स इन्हां दी गल कीती जाएगी, ये साढ़े को होएगी क्वांटिटेटिव, जिन्हों असी न्यूमेरिकली क्लासीफिकेशन भी कहांगे। ये एक आएगी साढ़े को डिस्क्रीट ते दूसरी आएगी कॉन्टीन्यू वेरिएबल। ये दो तरह के आएंगे, डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल कॉन्टीन्यू वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल जिदे विच 1, 2, 3, 4 वैल्यू इदा होएगी, पर कॉन्टीन्यूस दे विच की होएगा कॉन्टीन्यूटी होएगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये होएगा कॉन्टीन्यू वेरिएबल, ये होएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। सो ये साढ़े कोल सी एग्जाम्पल उहदी क्वांटिटेटिव क्लासीफिकेशन दी, जिन्हों असी न्यूमेरिकल क्लासीफिकेशन भी कहने। अगों दियाँ टू काइंड सी, डिस्क्रीट वेरिएबल तो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, ठीक है बेटा। सो ये साढ़े कोल सी अज टाइप्स मैथड का दे क्लासीफिकेशन दे, ठीक है बेटा। सो नैक्सट आप अपने टॉपिक दे विच करांगे कि उहदे अगों सीरीज टाइप ऑफ सीरीज की होंदियाँ, स्टैटिस्टिकल सीरीज की होंदियाँ।